नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर राजपूतों यानी क्षत्रिय समाज के लोगों की बीजेपी से नाराजगी की खबरें देख रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से भड़की इस चिंगारी की वजह भी जान रहे होंगे। लग रहा था कि इस मामले में बीजेपी कोई सुलह का रास्ता निकाल लेगी, लेकिन बात नहीं बनी है। गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और मोदी सरकार में केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजकोट से पर्चा भर दिया है। एक तरफ राजपूत अड़े हैं तो दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला भी मैदान में डटे हैं। इसका गुजरात, राजस्थान और देश की कई लोकसभा सीटों पर क्या असर हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को पर्चा भर दिया। ना बीजेपी छत्रियों के दबाव के आगे झुकी और न ही रूपाला पीछे हटे। रूपाला के राजकोट से पर्चा दाखिल किए जाने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि छत्री समाज भी अपने अपमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। छत्री समाज पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान से खफा है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की कई रियासतों ने अंग्रेजों से रोटी बेटी का संबंध बना लिया था। कई छत्री राजघरानों ने अंग्रेजों में शादियां की थी, लेकिन देश के ओबीसी और दलित समाज ने ऐसा नहीं किया। पुरुषोत्तम रूपाला के इस बयान के खिलाफ ऐसी चिंगारी भड़की कि बीजेपी को लेने के देने पड़ रहे हैं। छत्री समाज अहमदाबाद से लेकर जयपुर तक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। परेशान सब है, बोल नहीं पा रहा है, गला टेटवा दबा रखा इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर। सबसे बड़ी बात तो राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के खिलाफ होना पाकिस्तानी होना है। अगर आप भाजपा में हैं तो राष्ट्रवादी हैं, भाजपा के बाहर है तो पाकिस्तानी है। बाहर ही आता था ये, उसे आप मिले हुए हैं, उन शक्तियों के आप पोषक हैं जो देश को खंडित करना चाह रहे हैं। इनको पूछिए इन्होंने क्या क्या किया 10 साल में। इन्होंने जो भी जुमला दिया हमें हाँ मिलाया, बात बहन बेटी की इज्जत की है। अब तक मुँह लटकाए बाकायदा इनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने सेवा करी भारतीय जनता पार्टी की, दरियां बचाई। इनका बूथ का एजेंट कहीं भी मिलेगा, राजपूत मिलेगा, लटकाता लट ठोकता है तब बीजेपी खड़ी हुई है, किसी की गलतफहमी हो। गुजरात और राजस्थान में हो रहे इन प्रदर्शनों में छत्री समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को छत्री समाज की बहन बेटियों का अपमान बताया जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने ये बयान मार्च में दिया था। पिछले महीने दिए अपने बयान के बाद रूपाला 3 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन छत्री समाज नहीं माना है। छत्रियों की सिर्फ एक ही मांग है कि बीजेपी रूपाला को चुनाव से हटाए, लेकिन पर्चा भरने के बाद रूपाला के टिकट वापसी की गुंजाइश कम ही बची है। 15 अप्रैल की रात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ छत्री समाज बैठक भी विफल रही। इसमें छत्री समाज ने साफ कर दिया कि रूपाला को चुनाव से नहीं हटाया तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। छत्रियों की नाराजगी से कांग्रेस बैठे बिठाए फायदे की उम्मीद लगा रही है। राजकोट में कांग्रेस ने परेश धनानी को उम्मीदवार बनाया है। राजकोट की धरती पर 22 साल बाद रूपाला बनाम परेश धनानी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद बढ़ गई है। परेश धनानी 2002 में राजकोट के सांसद रह चुके हैं। धनानी ने 2002 में रूपाला को शिकस्त दी थी। क्षत्रियों के गुस्से का असर सिर्फ राजकोट या गुजरात में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में क्षत्रियों ने रैली निकालकर बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की अपील की है। यूपी के सहारनपुर में क्षत्रियों की पंचायत हो चुकी है और क्षत्रिय नेता बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी के बड़े नेता हैं। संगठन में ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के समकक्ष माने जाते हैं। जनसंघ और बीजेपी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को उनके खिलाफ कोई फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। गुजरात में 7 मई को वोटिंग है, तब तक क्षत्रिय समाज का गुस्सा कायम रहता है या फिर उन्हें मना लिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।